पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करें। मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जिनसे वजन घटाने में आपको मदद मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल के खराब लाइफस्टाइल और अनियंत्रित जीवन शैली फॉलो करने से लोगों में वजन बढ़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए लोग अलग अलग नुस्खे अपनाते हैं जिसके कारण बाद भी कई बार सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कुछ लोग वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेते हैं, जिसे अगर ठीक तरह से किया जाए तो ये किसी रामबाण से कम नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए आपको इसके कुछ नियमों के बारे में अच्छे से जान लेना होगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को पहली बार कर रहे हैं तो ऐसे में 14/10 का विंडो को फॉलो करना होगा। इसका मतलब है आपको 14 घंटे तक बिना खाए हुए रहना होगा और 10 घंटे के समय में खाना खाना होगा। इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं अगर आपको 1 से 2 दिनों से ये फास्टिंग कर रहे हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर आपको 1 से 2 महीने से ये फास्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 16/8 के मेथड को फॉलो करना होगा। यानी 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, 8 घंटे आपको खाना है। इस मेथड के अंतर्गत आपको 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना है और बाकी के 8 घंटे के दौरान ही भोजन करना है। अगर आप पिछले काफी समय से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप 16/8 की विंडो को भी, या ऐसा भी कर सकते हैं आप 18/6 की विंडो को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको तभी करना है जब आपके लंबे समय से फास्टिंग कर रहे हैं। किसे नहीं करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी के लिए फायदेमंद हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ऐसे में ये फास्टिंग करने से बचें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और स्तनपान करा रही हैं तो भी इस फास्टिंग से परहेज करें। यही नहीं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, परेशान हैं या फिर पहले से ही अंडरवेट हैं तो ऐसे में आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने से बचना चाहिए। वहीं अगर आप किसी तरीके से उन सभी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो वजन घटाना वास्तव में आपके लिए काफी कठिन बात हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जय माता दी।